इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 20 दिसंबर। 20 दिसंबर सन 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की। सन 1980 में अमरावती के डॉक्टर भोजराज डॉक्टर गणेश गोविंद इनका निधन हुआ। सन 1525 में बाबर ने श्यालकोट जीता। सन 1956 में गाड़गे महाराज इनका निधन बलगांव के पास हुआ। सन 1942 में जापान ने कलकत्ता पर बॉम्ब हमला किया। सन 1906 में लोकमान्य तिलक इनका अमरावती आगमन हुआ। सन 1955 में इंडियन गोल्फ यूनियन की स्थापना की गई। सन 1945 में मुंबई से बेंगलोर विमान सेवा शुरू की गई। सन 1942 में राणा भगवान दास पाकिस्तान के प्रथम न्यायाधीश बने। सन 1731 में छत्रसाल बुंदेला का निधन हुआ। सन 1996 में दया पवार इनका निधन हुआ। सन 2010 में नलिनी जयवंत जो अभिनेत्री थी इनका निधन हुआ। सन 1928 में अमरावती में स्कॉट बाई का सम्मेलन आयोजित हुआ। सन 1929 में मराठी नॉर्मल स्कूल इसका हीरक महोत्सव आयोजित किया गया। सन 1951 में अवतार मेहर बाबा इनका अमरावती आगमन हुआ। अध्यक्षता पंजाब राव देशमुख ने की। सन 1931 में ऋण मोचन में विदेशी कापड़ दुकान पर पिकेटिंग की गई। सन 1582 में फ्रांस ने गेगरियन कैलेंडर लागू किया। सन 1757 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। सन 1922 में 14 गणराज्य मिलाकर सोवियत रूस का संगठन हुआ। सन 1971 में याह्या खान ने जुल्फिकार अली को सत्ता सौंपी।